दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियर? यस सर। ओके which is used to word which is used to describe an action samjhe a word which is used to describe an action mere hisab se aap logo ka board clear dikh raha hai aap logo ko सर धुंधला नजर आ रहा है। धुंधला नजर आ रहा है ना? कहाँ गए? बोर्ड नहीं दिख रहा है। ओके तो हमने कहा कि अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, कोई ऐसा वर्ड जो ये डिस्क्राइब करे किसी एक्शन को, ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करे, ठीक है, वो वर्ब होता है। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो इसमें एक्शन कौन है? वर्ब हमारा टीच हुआ, एक्शन तो यही हो रहा है ना, टीच काम हो रहा है, कौन सा काम, तो पढ़ाने का, ये मेरा वर्ब हुआ। सी प्लीज टेनिस, सी प्लीज टेनिस, तो इसमें जो काम हो रहा है कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो ये रहा मेरा वर्ब, ठीक ना। ये दो पॉइंट नोट कीजिए, मॉडल ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मॉडल जो निकला हुआ है ना, जो ओरिजिन हुआ है वो वर्ब से ही निकली हुई है, इसलिए हम आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग है ये। चलिए हो गया ये वर्ब, अब समझिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप समझिए। तो वर्ब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, अब इस वर्ब के बारे में अब थोड़ा सा और चलते हैं। ये वर्ब जो होता है ना, ये दो होते हैं, एक होता है एक्जुलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो ये वर्ब जो होते हैं हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है हमारा एक्जुलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ये डिवाइड हो गया, मेन वर्ब जो होता है, ये वर्ब जो वर्ड है ये डिवाइड हो दो पार्ट में, एक हो एक्जुलरी वर्ब और एक हो हमारा मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब जो होता है हमारा, ये दो भाग में डिवाइड होता है, ये भी जो मेन वर्ब है हमारा, ये दो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ आया कि मेन वर्ब यानी कि वर्ब जो होता है दो भाग में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट है एक्जुलरी वर्ब एंड सेकंड मेन वर्ब। मेन वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसको डिवाइड कर दिया गया है। ओके तमर, अब चलिए अब आता है एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब की संख्याएं होती हैं 24, एक्जुलरी वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब इनका डिवीजन क्या है, आप समझिए इनका डिवीजन क्या है। ये एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं ना, देखिए डिवाइड कैसे हो रहा है, एक होता है टू वर्ब, एक्जुलरी वर्ब जो होता है जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हम एक्चुअली वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। एक होता है टू बी वर्ब, इसकी संख्याएं होती हैं 5,
एक होता है डूअर, इसकी संख्या होती है थ्री। एक होता है हैवर, हैवर, और एक होता है मॉडल वर्ब। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? समझे, वर्ब को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक हुआ एक्सिलरी वर्ब और एक हुआ मेन वर्ब। उसमें देखा जाए कि मेन वर्ब को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब चलते हैं एक्सिलरी वर्ब से बात करते हैं। तो ये एक्सिलरी वर्ब जो है उसकी संख्या होती है 24। अब देखिए टू बी वर्ब, हम लोग वन बाय वन करके सारे को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये जो टू बी वर्ब है जिसकी संख्या होती है 5, डू वर्ब है जिसकी संख्याएं होती है 3, हैव वर्ब है जिसकी संख्याएं होती है 3, और मॉडल वर्ब जो है इसकी संख्याएं होती है 13। हो गया, अब काम कीजिए। तो कितना हुआ? 5, 3, 8, 11, 11 और 13 कितना हुआ? 4। देखिए तो 24 निकल गया हमारा। तो एक्सिलरी वर्ब की संख्या हमारी कितनी है? 24। डू बी वर्ब हुआ 5, डू वर्ब हुआ हमारा 3, है वर्ब हुआ 3, और मॉडल एक्सिलरी कितना होता है? 13। ये सब मिला दिया गया तो हमारा एक्सिलरी वर्ब कितना हो गया? 24। सर वीडियो इज नॉट क्लियर। ये तो नेटवर्क इशू, सर आवाज कम आ रहा है। अभी भी वैसा ही दिख रहा है? अभी भी वैसा ही दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, धुंधला है। अभी धुंधला है सर, थोड़ा ब्लरी है। थोड़ा? नो सर, अभी भी ब्लरी है। एक सेकंड, सर योर वीडियो इज गॉट स्टॉप। कर देते वर्ब हमारा दो भाग में डिवाइड हुआ, एक एक्सिलरी वर्ब हुआ और एक मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब हमारा दो भाग में डिवाइड हुआ है, एक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब है उसका नंबर होता है 24, यानी कि 24 होते हैं हमारे एक्सिलरी वर्ब। एंड देन एक्सिलरी वर्ब को डिवाइड किया गया है टू बी वर्ब में जिसकी संख्या होती है 5, डू वर्ब जिसकी संख्या होती है 3, एवर जिसकी संख्या होती है 3, एंड मॉडल वर्ब जिसकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ये है हमारा, ये सब फंक्शन, पूरा फंक्शन आपको देख लेना है। आगे बढ़िए, सबका क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ये सब, एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चौथा में हमारा मॉडल आएगा, फिर हम लोग मॉडल को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए हेडिंग लीजिएगा टू बी वर्ब, हेडिंग टू बी वर्ब। टू बी वर्ब है ना, तो ये टू बी वर्ब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। जैसे ये हुआ हमारा टू बी वर्ब, टू बी वर्ब का मतलब होता है कि इज, एम, आर, वाज, was, were, ये हुआ। जब भी बात होगी ना कि to be were, तो जब भी बात होगी to be were, तो आप समझ जाइए कि बातें हो रही है is के बारे में, am के बारे में, are, was and were के बारे में, यानी कि 5। यही होता है to be were। अब बात आती है कि to be were के साथ main verb का form कौन सा होता है, तो आप समझिए to be verb के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। फोर्थ का मतलब होता है आईएनजी, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आता है, फोर्थ का मतलब होता है उसमें आईएनजी लगेगा, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। अब देखिए फोर्थ कब होगा? जब सेंटेंस हमारा एक्टिव में होगा तो यहाँ पे फोर्थ होगा, और जब सेंटेंस हमारा पैसिव होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा इन सारे वर्ड्स के बाद। और पैसिव कैसे पहचान में आएगा? उस सेंटेंस में वाई के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगा रहता है,
बाई के साथ ऑब्जेक्टिव बेस लगा रहता है। ये है हमारा टू बी वर्ब। टू बी वर्ब कहता है इसमें ई एम आर वाज वर्ब को टू बी वर्ब कहते हैं। तो फिर टू बी वर्ब के बाद वर्ब कैसा आता है? तो टू बी वर्ब के साथ वर्ब एक फोर्थ आता है और एक थर्ड भी आता है। फोर्थ थर्ड कब आएगा? जब बाई लगेगा। जनरली आपको पढ़ाने कि जब बाई का सब्जेक्ट लगा हो ना तो वह पैसिव होगा और पैसिव वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड। फिर अगर वही बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा यानी सेंटेंस एक्टिव में जब हो तो उसके साथ आईएनजी लगेगा, ठीक ना। फॉर एग्जांपल एक हम बताते हैं आपको एग्जांपल में। सी वाज बेस्ट और लाइक टू मी। ऑप्शन ए में टिल, बी में टेंस, सी told, B telling। अब आपको समझना है कि was तो लगा यानी कि to be verb आया, इसके बाद verb आएगा तो या तो ing में आएगा नहीं तो verb third आएगा। s लग गया तो यानी कि verb का fifth form है तो ये गलत है, given है तो ये भी गलत है। ये told हमारा third होता है और telling ing लग गया यानी कि verb का कौन सा form हुआ? Fifth form हुआ, है ना। अब समझते हैं। तो बाई रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा? वर्ब थर्ड लगेगा। सेंटेंस में बाई है तो नहीं है, तो जब सेंटेंस में बाई नहीं है यानी कि वर्ब थर्ड नहीं बल्कि क्या लगना चाहिए? वर्ब फोर्थ यानी कि वर्ब में आईएनजी। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेलिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर हम कहें कि सी वाज, सी वाज Yes, by her friends. She was dressed by her friends. Ana, option A. Help, B. Help, C. Help, D. Helping. अब आपको समझना ये है कि क्या है। तो सी वॉज डांस बाय हर फ्रेंड्स। अब देखना है कि इसमें क्या लगा हुआ है? बाय। तो जब बाय लग गया इसका मतलब कि ये क्या है? पैसिव है। और जैसे ये पैसिव में आया तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक ना। तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो थर्ड फॉर्म आएगा तो ये हेल्प हमारा गिवन है और हेल्प ये एस लग गया वर्ब में तो फाइव का लगा एंड आईएनजी लग गया यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का लगेगा। क्लियर है? अब समझते हैं। तो जब बाई है तो पैसिव है, तो पैसिव है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड आएगा। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। नोट कीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चैट में बोलता रहेगा, उसको रिपीट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हो जाएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। Done, sir. Done. एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को खुद बनाना है। ये बनाइए। The leaders were against the people. Against the people. Option P-L-O-T, B, plotting, C, plotted, D, plots. अब देखना है कि आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। आप लोगों को बनाना है, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर। एक आदमी का आंसर है अभी। आई वॉन्ट एवरी वन प्लॉटिंग, जस्ट रेस्ट वन, आई वॉन्ट रेस्ट वन, थ्री फास्ट
ओके, यानी कि सबको समझ में आ गया, बाई नहीं है यानी कि पैसिव नहीं है, तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए? फोर। फोर का मतलब क्या हुआ? आईएनडी। तो आईएनडी मतलब आंसर क्या हो गया? बी। यानी कि सबका क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। जो अभी पॉइंट अभी आपका चल रहा है ना वर्ब का, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एडिटिंग में फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका आता है और उसके साथ ओमिशन वगैरह जितना भी होगा ये सब सॉल्व होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, आपको कंफ्यूज हो जाता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, तो एक एक पॉइंट आपको वर्ब प्ले वर्ब में आपको पढ़ना है ये पूरा चीज। तो टू बी वर्ब क्लियर नंबर टू एड दीजिए डू वर्ब। अब हम लोग पढ़ते हैं डू वर्ब के बारे में। यहां पे दिया हुआ है कि डू वर्ब, डू वर्ब का मतलब होता है डू डज डिड। मैंने बताया था कि डू वर्ब जो होता है ना वो थ्री होते हैं, तो एक हो गया डू डज एंड डिड, ठीक है ना? तो डू डज एंड डिड ये हम हो गए हमारे डू वर्ब। जब भी बातें होंगी ना कि डू वर्ब क्या होता है तो समझ जाइए कि कहा जा रहा है कि डू डज और डिड होता है। अच्छा, डू डज डिड जहां भी रहेगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा वी वन आएगा, जब भी आएगा तो वी वन आएगा, कभी भी वी टू वी थ्री वी फोर कभी आ नहीं सकता। जब भी डू डज डिड होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा? वी वन होगा। लाइक Does he? Does go now? Option दे रहा है one wants। आप लोग आंसर पर हॉट बोलते जाइएगा। Wanted and D। अब देखना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिएगा कि लगा है डज, तो जैसे डज लगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा? वी वन होगा, ठीक ना? वी वन होगा तो वांट जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर वर्ब में एस लग जाता है उसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, और ईडी लग गया यानी कि वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म भी है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। आईएनजी लग गया इसका मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? फोर्थ फॉर्म हुआ। सो डज जब है तो इसके साथ जब भी आएगा तो वी वन आएगा, इसलिए आंसर आपका क्या होगा? वांट होगा। क्लियर है सब किसी का? एक पॉइंट और एक और एग्जांपल देते हैं। डिड सी Yesterday? Did see dash you yesterday? A. Meet B. Meet C. Meets D. Again meeting. Meeting. अब ये आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए बी सी या डी होगा? ए। फिर तो डीड है तो डीड के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? वन होगा। तो जैसे ये वन आया तो मीट हमारा भी वन होता है, और मीट हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म भी होता है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। एस लगा यानी कि वर्ब का फाइव और आईएनजी को फोर कहते हैं, तो आंसर हमारा ए। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नेक्स्ट हैव वर्ब। नेक्स्ट में हैव वर्ब अब मुझे कि हैव वर्ब अगर ये जो हैव वर्ब है हमारा
ये हैव हैज एंड हैड। हैव वर्ब जो होता है ना तीन होता है, हैव हैज और हैड। तो जब भी हैव हैज या हैड में से कोई भी फॉर्म हो तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब हमें साथ थर्ड होता है। तो हैव वर्ब का नंबर जो होता है थ्री होता है, 1 2 3। तो हैव वर्ब के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ओनली थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर है इतना? अब समझिए किसके साथ जब भी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल Have you? Does God? Have you? Does God? Option. Shall be. See. She may. Seen. We may. Seeing. Have you? Does God? Shall. See, seen और seen। Saw का मतलब होता है verb का second form, see verb का first form, seen verb का third, ing verb fourth। आंसर क्या होगा? See। क्लियर है सब किसी का? कोई दिक्कत किसी को भी? कि जब have है तो have के साथ सिंपल सी बात है कि जब भी आएगा तो verb का third form आएगा, यानी आंसर क्या हो गया? शेन। ठीक ना? एक और एग्जांपल सुनिए। इफ आई हैड, इफ आई हैड दैट्स द जू, इफ आई हैड दैट्स द do option visit women visits she men visiting or demon visited। आप समझ रहे हैं कि if I had danced the do visit Widgets, visiting or visited? Answer बोलिए। Answer। दो आदमी का आंसर आ रहा है, rest। बाकी लोग? तो जब भी रहेगा had, उसके तुरंत बाद जब भी यहाँ होगा, तो वहाँ पे भीतरी होगा, यानी आंसर क्या होगा? Visited। ये बात समझ आ गया सब लोगों को? चलिए अब बताते हैं कि हम लोगों ने शुरू में देखा था कि एक्सक्लूसिव वर्ब की जो संख्या होती है 24 होती है, 24। तो 24 में मैंने डिवाइड किया था टू बी वर्ब के बारे में। तो टू बी वर्ब का मतलब हुआ कि इजेमार वाज वर्ब के साथ मैंने वर्ब आपको क्लियर कर दिया था। नंबर टू मैंने बोला था आपको डू वर्ब, तो डू वर्ब में हम लोगों ने देखा था डू डज और डिड, तीन थे। तो तीनों के साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है? वी वन होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भी कि हैव वर्ब, हैव वर्ब के बाद जब भी वर्ब आता है तो वो थर्ड फॉर्म में होता है। हैव हैज और हैड के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड आएगा। जैसे यहाँ पे हैव है तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो लग गया। यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे विजिटेड हो गया। क्लियर हो गया सबका? इतना जितना अभी पढ़ाई हुआ है इतना में किसी को कोई दिक्कत है? यानी कि हम लोगों ने 11 एक्सिलरी वर्ब के बारे में अभी देखा, किसी को कोई दिक्कत इतना में? नो? ओके। अब हेडिंग देते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल अब हम लोग आ गए अपने पॉइंट पर। मॉडल वर्ब हमने कहा कि इसका जो नंबर होता है कितना होता है? 13 होता है। तो पूरे 13 के बारे में हम लोग को पूरा पढ़ जाना है।
पूरा 13 हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो बताते हैं कौन कौन सा मॉडल में होता है 13। चलिए पहला पेन गुड मे माइट सेल शुड विल वुड मस्ट डेयर नीड यूज्ड टू और टू देखिए तो ये 13 मॉडल हो गया हमारा 13 हो गया। कैन शुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट डेयर नीड यूज्ड टू और टू ये हो गया मेरा मॉडल 13। इसको नोट कर लीजिए पहले हर किसी के बारे में यानी कि हर एक एक पॉइंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है एक एक पॉइंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इसको नोट कर लीजिए। ओके तो जब भी बात होगी ना कि मॉडल क्या है तो समझ जाइए कि ये सारा मॉडल है फिलहाल ये जितने भी हैं 13 ये सभी के सभी क्या है मॉडल है। अब चलिए अब एक एक पॉइंट हम लोग इसको पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को देते हैं उसके पहले आपको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देते हैं। पहले मॉडल तो आप समझ जाइएगा कि हम आपसे कह रहे हैं 13 जब भी बात हो मॉडल तो आप समझ जाइए कि हम आपसे बातें क्या कर रहे हैं 13 के बारे में तो कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है पहले इसको सीख जाइए। ये रहा मॉडल वर्ब तो मॉडल वर्ब के साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्रीवन होता है। मॉडल वर्ब के साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है प्रीवन होता है। पांच दस मिनट और है आज प्रॉब्लम लग रहा है कि नेटवर्क को लेकर होगा एक सेकंड अभी सही है तो मॉडल वर्ब के साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा वन होगा। तो मॉडल वर्ब के साथ आने वाला वर्ब हमेशा गिवन होगा ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि कभी भी कोई भी मॉडल हो तो मॉडल के साथ अगर बी लग जाए बी तो जो वर्ब होगा हमारा थर्ड होगा। मेन पॉइंट यही है कि किसके साथ बी वन आता है किसके साथ बी थ्री आता है किसके साथ बी फोर आता है यही आपका मेन पॉइंट है ना। तो मॉडल वर्ब के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा बी वन और वही मॉडल के साथ अगर बी लग जाए तो आने वाला वर्ब क्या होगा थर्ड होगा ठीक ना। उसके बाद क्या रहा है थर्ड पॉइंट कि अगर कोई मॉडल हो तो मॉडल के तुरंत बाद अगर हैव लग जाए हैव फिर भी उसके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा थर्ड होगा। फोर रूल कह रहा है कि मॉडल प्लस मॉडल मॉडल प्लस मॉडल आर नॉट यूज्ड समझिए मॉडल प्लस मॉडल आर नॉट यूज्ड यानी कि दो मॉडल जो हैं एक साथ नहीं आ सकते दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते लेकिन एक रूल और कहता है कि मॉडल प्लस एंड मॉडल आर यूज्ड क्या देखिए मॉडल के साथ आने वाला वर्ब बी वन होगा मॉडल के साथ अगर बी लग जाए तो आने वाला वर्ब क्या होगा थर्ड होगा
अगर मॉडल के साथ हैव आ जाए तो फिर भी आने वाला वर्ब क्या होता है? हैड होता है। और मॉडल दो और मॉडल और मॉडल एक साथ दो मॉडल आएगा तो उसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि दो मॉडल के बीच अगर एंड का यूज हो तो मॉडल का यूज किया जाता है दो साथ में। बात समझ आ रहा है? इसको नोट कीजिए पहले, फिर एग्जांपल देते हैं सबके ऊपर। इसको नोट कीजिए पहले। डन। एग्जांपल देते हैं। अगर एग्जांपल दिया जाए तो देखिए ओबी मस्ट पास द पोल। ऑप्शन ए हेल्प, बी हेल्प्स, सी हेल्प। आंसर आप लोग बोलिएगा डी हेल्पिंग। देखिए क्या होगा हेल्पिंग। वी मस्ट डैश द पोल हेल्प 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 और हेल्पिंग। आंसर तो देखिए ये मस्ट हमारा क्या है? मॉडल है तो मॉडल वर्ब है तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा? वी वन। तो हेल्प हमारा वी वन होता है, हेल्प वी फाइव होता है और हेल्प हमारा टू होता है और आईएनजी का मतलब फोर्थ फॉर्म है ना। इससे मस्ट हमारा मॉडल है तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? देखिए अभी सारा मॉडल पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा मॉडल पूरे ओवरऑल मॉडल का थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद वन बाय वन करके मॉडल पढ़ना है। तो समझिए तो यहाँ पे हेल्प हो गया, कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जांपल समझिए। सी maybe dance go see maybe dance to go option permit women permitted she may permits एंड में परमिटिंग। क्वेश्चन देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन ये हुआ और दो नंबर क्वेश्चन ये हुआ। सी मे बी डैश टू गो। अब देखिए ये रहा मे, हमारा मॉडल है और मॉडल है तो मॉडल के साथ मैंने क्या दिया है? बी। तो जैसे मॉडल के साथ बी आया तो उसके साथ घर का कौन सा फॉर्म आना चाहिए? थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो परमिट हमारा वी वन है, ईडी लग गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, आईएनजी लगा यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और परमिट में एस लग गया यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? फाइव फॉर्म हुआ, है ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? अभी आप मिटाते हैं फिर एग्जांपल खोज देते हैं। आप एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। किसी शुड हैव बेस्टी ए टेक बी टेकन सी took d taking a taking। अब बात समझिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ she should have dashed t। अब देखिए should मतलब मॉडल, मॉडल के साथ क्या है? have।
तो मॉडल के साथ जब है आया तो आने वाला फर्म हमेशा होना चाहिए, है ना। तो जैसे ये थर्ड आया तो टेक हमारा बी वन होता है, टेकिंग हमारा वर्क थर्ड होता है, टेक का बी टू होता है हमारा टू, एंड टेकिंग आई एन जी लगा यानी कि वर्क का कौन सा फॉर्म हुआ, आई फोर्थ फॉर्म हुआ, है ना। तो हम समझे तो हैव के साथ बी थ्री चाहिए, तो बी थ्री हमारा ये है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ आ गया, चलिए नोट कीजिए इसको। जिस तरह से क्वेश्चन टैक्स पढ़ाई हुआ था ना, और क्वेश्चन टैक्स पढ़ा के हम भेज दिए थे, उसी तरह से मॉडल पढ़ाई होगा और फिर 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट हम आपको सेंड करवा देंगे। हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए, जो एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। हो गए था? एक क्वेश्चन और देखिए, आप क्वेश्चन है कि वी शुड मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, वी शुड मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए तो वी शुड मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, मुझे आपसे जानना है, सब किसी से कि ये राइट है या रॉन्ग है। वी शुड मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हर कोई दिखाए कि ये राइट है या रॉन्ग है। एवरीवन अनीश, चलो और सबको राइट हो तो राइट लिखो, रॉन्ग हो तो रॉन्ग लिखो। अगर आपको लग रहा है कि राइट है तो राइट लिख दो, अगर रॉन्ग लग रहा है तो रॉन्ग लिख दो। एवरीवन, एक आदमी का हुआ, मुझे सबका आंसर चाहिए। राइट, गुड, आगे रौनक हो गया, और लोगों का भी मुझे चाहिए अभी कि ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। दो हुआ, जस्ट जल्दी कि वी शुड मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। अभी दो आदमी का हुआ, अनीश और रौनक हुआ, बाकी का चाहिए। नहीं समझ में आया तो लिख दो कि नहीं समझ आया, नो लिख दो। अगर नो लिख देते तो समझ आ जाएगा कि आपको पाले नहीं पड़ा, ये समझ नहीं आया पॉइंट। दो आदमी, थर्ड, बस रॉन्ग। अब समझिए बात, अब बात क्या है। अभी हमने आपको बताया लास्ट वाला रूल, देखिएगा जो लास्ट में था, फोर्थ एंड फिफ्थ रूल। फोर्थ एंड फिफ्थ में बताया गया था ये शुड हमारा मॉडल है, शुड हमारा क्या है, मॉडल है, और मस्ट भी हमारा क्या है, मॉडल है। Should be model है और must be model है। तो देखिए अभी बताया गया था कि दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकता है, दोनों का यूज एक साथ नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। फिफ्थ में रूल था कि दो मॉडल एक साथ आएगा लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, इसमें एंड नहीं है, इसीलिए यह क्या है, गलत है। तो ये अगर ऐसे लिख दिया जाए कि we should and must obey, वापिस से देखिए तो ये मॉडल दो मॉडल के बीच में क्या आया, एंड आया, तो फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट। हम ये भी लिख सकते हैं कि वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। हम शुड के जगह पे मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, फिर भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन दोनों मॉडल एक साथ नहीं आ सकता है, यहाँ पे दोनों मॉडल एक साथ आया तो सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है।
कोई दिक्कत यहाँ पर? इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। डन, ओके। चलिए, यह अभी तक का जितना भी वर्ग में हमने मॉडल तक आपको पढ़ाया है, इस पॉइंट तक कोई दिक्कत है किसी को अभी तक में? Anybody has? Yes or no? एक क्वेश्चन लिखिए तो। रश्मि, डेजनर्ड, एटिंग, मिड्स, ए में है लाइक, बी लाइक्स, शी लाइक, बी लाइक्स, लाइकिंग। आंसर बोला जाए, हर कोई आंसर बोले इसका क्या होगा? रश्मि डेजनर्ड डांस एटिंग मिड्स। आंसर एक आदमी का आंसर, और बाकी का, बाकी सबका आंसर चाहिए अभी। जल्दी एक आंसर है, एक का ए। बात समझ आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे डज लगा हुआ है तो डज के साथ आने वाला धर्म क्या होगा? जीवन वाला, ये जीवन आया क्या होगा? ये होगा क्लियर है? डांस इज वर्क, डांस इज वर्क, ए कंप्लीट, बी कंप्लीटेड, सी कंप्लीट, एंड डी। Answer B. Correct. सबका क्लियर है इतना? आंसर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एज के साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए, एकदम करेक्ट। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोगों ने एक्जुलरी वर्ब के बारे में समझ लिया, अब हम लोगों को एक एक करके सारे मॉडल्स को पढ़ना है। कैन का पढ़ेंगे, कुड का पढ़ेंगे, मे का पढ़ेंगे, माइट का पढ़ेंगे सेपरेटली, सबको अलग अलग करके एक एक करके सारे मॉडल्स को हम लोगों को पढ़ जाना है। हो जाएगा? क्लियर है सब किसी का? आप समझिए।